चांद को मुट्ठी में कर लिया है और अब बारी है सूरज की। जी हाँ, हमारे देश के वैज्ञानिकों का इरादा और उनका दृढ़ संकल्प यही दर्शाता है और यही वजह है कि भारत चंद्रयान 3 के जरिए इतिहास रचने के बाद अब अपने पहले सोलर मिशन को भी लॉन्च करने जा रहा है, जिस बात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की तारीख भी तय हो गई है और साथ ही उस तारीख को डिक्लेयर्ड भी कर दिया है। आदित्य L1 को 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से रवाना किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 28 अगस्त को इस बात की जानकारी दी है। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है और आदित्य L1 को सूर्य की सबसे बाहरी परत के ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया गया है। L1 पृथ्वी के सबसे करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर यात्रा करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य और उसके अस्तित्व के बारे में इंसानों के मन की जिज्ञासाओं को शांत करने में इसरो इस मिशन पर 400 करोड़ रुपए का खर्चा करने जा रहा है। इसरो के अनुसार L1 रिसर्च मिशन में आदित्य 1 इस बात का पता लगाएगा कि कोरोना यानी सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंच सकता है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा अधिक रहता है। दोस्तों, इसरो ने चांद पर कदम रख वहां पर तिरंगा भी फहरा दिया है और अब चांद के बाद सूरज की बारी आ गई है। तो भाई, आपको क्या लगता है आदित्य L1 भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट मिशन क्यों है और कैसे इसरो इसमें सफलता हासिल कर पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और इसी तरह इम्पोर्टेंट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।